हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैटल क्राफ्ट को। ये पार्ट टू है ऑफ द सीरीज फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट। सो इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करेंगे बैटल क्राफ्ट से रिलेटेड टर्म्स को, जैसे कि सेक्शन फॉर्मेशन क्या होता है, प्लाटून का फॉर्मेशन क्या होता है, पेट्रोलिंग पार्टीज क्या होती हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसी तरीके से एम्बुश क्या होता है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सो इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट डिले लेट्स बिगिन द टॉपिक। सो पहला क्वेश्चन है कि बैटल क्राफ्ट होता क्या है। देखिए, बैटल यानी युद्ध, क्राफ्ट यानी कला। सो आपको युद्ध को कितने अच्छे तरीके से लड़ना आता है, इसी को हम कहते हैं बैटल क्राफ्ट। नाउ बैटल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके आमने सामने की लड़ाई होनी चाहिए, आप एक तरफ से गोली मारे दूसरी तरफ से गोली मारे, इसी को हम बैटल नहीं कहते। बैटल का मतलब ये भी होता है कि हमें दुश्मन की इन्फॉर्मेशन को गैदर करनी है, हमें एक प्रॉपर प्लानिंग करनी है। सो ये सब चीज़ें बैटल के अंदर आती हैं और इन्हीं चीज़ों को आपको बैटल क्राफ्ट के अंदर सिखाया जाता है कि आपको किस तरीके से दुश्मन से इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है और वही इन्फॉर्मेशन उस दुश्मन के खिलाफ यूज़ करनी है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं बैटल क्राफ्ट के अंदर। सो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन फॉर्मेशन के बारे में कि सेक्शन फॉर्मेशन होता क्या है। नाउ सेक्शन फॉर्मेशन को समझने से पहले आपको समझना होगा कि सेक्शन होता क्या है और इसके लिए आपको समझना होगा फील्ड फॉर्मेशन ऑफ इंडियन आर्मी। ये फील्ड फॉर्मेशन क्या होता है? फील्ड फॉर्मेशन होने का मतलब यह है कि किसी भी सेक्शन में कितने जवान होते हैं, किसी भी प्लाटून में कितने जवान होते हैं, किसी भी ब्रिगेड में कितने जवान होते हैं, तो वो जवानों की टुकड़ी, उसी को हम कहते हैं फील्ड फॉर्मेशन। नाउ ये है फील्ड फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन आर्मी और इसमें जो सबसे छोटी टुकड़ी होती है वो होती है सेक्शन की। नाउ किसी भी सेक्शन में हमारे पास 10 जवान हो सकते हैं या इसमें 11 जवान भी हो सकते हैं। नाउ इन 10 जवानों की जो टुकड़ी है इसको लीड करता है एक नॉन कमीशन्ड ऑफिसर जो जनरली होता है हवलदार और उसको हम कहते हैं सेक्शन कमांडर। नाउ इसी तरीके से होता है प्लाटून। प्लाटून हमारे पास 3 सेक्शन से मिलकर बनता है और इसमें होते हैं 32 जवान और इसका जो कमांडर होता है उसे कहते हैं प्लाटून कमांडर और ये जनरली होता है ऑफ द रैंक नॉन कमीशन्ड ऑफिसर। फिर आता है कंपनी। कंपनी में होते हैं 120 सोल्जर्स। फिर आता है बटालियन। एक बटालियन में होते हैं हमारे पास 900 कॉम्बैट ट्रूप्स। फिर आता है ब्रिगेड। ब्रिगेड में होते हैं हमारे पास 300 के करीब जवान और फिर आता है डिवीज़न जिसमें हमारे पास 15,000 के करीब कॉम्बैट ट्रूप्स होते हैं और जो 8,000 होते हैं ये सपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं यानी बैकअप के लिए होते हैं। सो ये था फील्ड फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन आर्मी। ये एनसीसी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है आपसे एग्जामिनेशन में कि बताइए इंडियन आर्मी में फील्ड फॉर्मेशन किस तरीके से है, तो वहाँ पे आपको लिखना है कि एक डिवीज़न में इतने ट्रूप्स होते हैं, एक ब्रिगेड में इतने ट्रूप्स होते हैं, बटालियन में इतने, कंपनी में इतने, प्लाटून में इतने और सेक्शन में इतने, और एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको ये लिखना है। सो नाउ लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक सेक्शन फॉर्मेशन। तो हम जान चुके हैं कि किसी भी सेक्शन में हमारे पास 10 जवान होते हैं और उन 10 जवानों की फॉर्मेशन को ही हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मेशन। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी वॉर जोन एरिया में सपोज किसी सेक्शन को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना है, उन्हें एडवांस कराना है, तो इस केस में ऐसा तो हो नहीं सकता कि उस सेक्शन के जो 10 के 10 जवान हैं वो अपने मन मुताबिक आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर दुश्मन का खतरा है। तो इसीलिए कोई भी सेक्शन जब उसे एडवांस होना होता है या आगे बढ़ना होता है तो उस केस में उसके जो 10 जवान हैं वो इस तरीके से फॉर्मेशन बनाते हैं, इस तरीके से अपनी बनावट बनाते हैं कि उनकी जो निगाहें हैं वो 10 के 10 जवानों की वो चारों ओर हो और साथ ही साथ अगर कोई दुश्मन छुपा हुआ है, वो घात लगा के बैठा है, तो अगर वो दुश्मन अचानक फायर करता है तो उस केस में जो सेक्शन के जवान हैं उनको कम से कम नुकसान हो और साथ ही साथ वो उस पर उल्टा फायर भी कर सकें। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मेशन। नाउ सेक्शन फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं तो देखते हैं। ये देखिए, सेक्शन फॉर्मेशन हमारे पास 6 टाइप के होते हैं। ये होते हैं सिंगल फाइल फॉर्मेशन, फाइल फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन, एरोहेड फॉर्मेशन, स्पीयर हेड फॉर्मेशन एंड एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। तो चलिए इन सेक्शन फॉर्मेशंस के बारे में जानते हैं। सो सबसे पहले आता है सिंगल लाइन फॉर्मेशन या सिंगल फाइल फॉर्मेशन। देखिए, आपको पता है कि एक फाइल यानी एक सिंगल लाइन को ही हम कहते हैं एक फाइल। नाउ किसी भी सिंगल फाइल फॉर्मेशन में जो खासियत होती है वो होती है कि इसमें जो कंट्रोल होता है वो अच्छा होता है। कंट्रोल अच्छा होने का मतलब ये है कि जो सेक्शन कमांडर है हमारे पास, इसकी पूरे सेक्शन में अच्छी कंट्रोल है, पकड़ अच्छी है इसकी। इसके अलावा जो इसमें स्पीड होती है इस फाइल फॉर्मेशन की वो तेज होती है और साथ ही साथ अगर हमें पतले रास्तों से होकर गुजरना है तो वहाँ के लिए ये अच्छा है। नाउ इसकी एक कमी भी है, वो कमी क्या है कि अगर सामने से दुश्मन फायर करे तो उस केस में जो हमारी सेक्शन है उसको ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। फिर आता है फाइल फॉर्मेशन। फाइल फॉर्मेशन में जो कंट्रोल होता है वो अच्छा होता है, साथ ही साथ ये रोड के किनारे चलने के लिए अच्छा है, लेकिन इसकी कमी है, इसकी कमी ये है कि अगर सामने से फायरिंग होती है तो उस केस में ज़्यादा नुकसान होता है
और साथ ही साथ अगर हमें दुश्मन पर जवाबी फायर देना है तो ये उसके लिए भी अच्छा नहीं है। फिर आता है डायमंड फॉर्मेशन। देखिए जो इसकी आकृति है वो कुछ डायमंड की तरह है, ठीक है, तो इसलिए इसे कहा जाता है डायमंड फॉर्मेशन, यानी हीरे की तरह फॉर्मेशन। नाउ इसकी बात करें तो इसमें जो कंट्रोल होता है वो अच्छा होता है, साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जवान है उनकी निगाहें चारों ओर हैं, तो इसीलिए अगर आपको चारों ओर की देखभाल करनी है तो उसके लिए भी अच्छा होता है। लेकिन इसमें वही बात आ जाती है कि अगर कोई दुश्मन सामने से फायरिंग करता है तो उस केस में इस फॉर्मेशन को ज़्यादा नुकसान होता है। फिर आता है एरो हेड फॉर्मेशन। एरो का मतलब होता है तीर, तो देखिए ये कुछ तीर के शेप का है तो इसीलिए इसे कहा जाता है एरो हेड फॉर्मेशन। नाउ इसकी जो खासियत है वो ये है कि अगर सामने से फायरिंग होती है तो उस केस में इस फॉर्मेशन को कम नुकसान होता है, ठीक है, लेकिन इसकी जो कमी है वो ये है कि इसमें जो कंट्रोल होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। फिर आता है स्पीयर हेड फॉर्मेशन। स्पीयर का मतलब होता है भाला, ठीक है, तो ये कुछ भाले टाइप का शेप है, देख सकते हैं आप, ठीक है, तो इसमें जो कंट्रोल होता है वो अच्छा नहीं होता और साथ ही साथ अगर आपको दुश्मन पर जवाबी फायर देना है तो उसमें कुछ टाइम लगता है। एंड फाइनली आता है एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। देखिए एक्सटेंडेड का मतलब समझते हो आप, एक्सटेंडेड का मतलब फैलाना, एक्सटेंड करना चीज को, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फैलाया हुआ है। इसका यूज कब होता है, जब हमें दुश्मन पर फाइनल असॉल्ट करना होता है, असॉल्ट यानी अटैक, ठीक है, तो जिस समय हमें दुश्मन पर फाइनल अटैक करना होता है तो उस समय ये यूज किया जाता है और इसमें जो कंट्रोल होता है वो डिफिकल्ट होता है, तो इसीलिए सब अपने मन मुताबिक झपट पड़ते हैं दुश्मन पर। नाउ अब बात करते हैं प्लाटून फॉर्मेशन के बारे में। तो देखिए एक प्लाटून ये बनता है तीन सेक्शन से और इसको जनरली लीड करता है एक प्लाटून कमांडर जो होता है ऑफ द रैंक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर। नाउ प्लाटून फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो ये जनरली तीन टाइप के होते हैं, ये होते हैं वन अप फॉर्मेशन, टू अप फॉर्मेशन एंड थ्री अप फॉर्मेशन। और ये जो फॉर्मेशंस होते हैं ये डिपेंड करते हैं सेक्शन के हिसाब से, ठीक है, कि एक सेक्शन या दो सेक्शन या तीन सेक्शंस, कितने सेक्शन आगे हैं उसी के हिसाब से ये हमारे पास फॉर्मेशंस होती हैं। नाउ देखते हैं पहला फॉर्मेशन वन अप फॉर्मेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमारे पास एक सेक्शन आगे होती है और दो सेक्शन पीछे होती है तो उसको हम कहते हैं वन अप फॉर्मेशन और यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है। नाउ फिर आता है टू अप फॉर्मेशन। इसमें यहाँ पे हमारे पास दो सेक्शंस आगे हैं और एक सेक्शन पीछे है तो इसीलिए इसे कहा जाता है टू अप फॉर्मेशन। फिर आता है थ्री अप फॉर्मेशन। इसमें आप देख सकते हैं तीनों के तीनों सेक्शंस आगे हैं, ठीक है, ये है सेक्शन कमांडर तो इसीलिए इसे कहा जाता है थ्री अप फॉर्मेशन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फायर, यानी फायर की किस्में। ये फायर आग की बात नहीं चल रही, ये बात चल रही है गोलीबारी की। तो देखिए हमारे पास तीन तरह के फायर होते हैं, एक होता है हमारे पास कंसंट्रेटेड फायर, एक होता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड फायर और एक होता है एरिया ऑफ फायर। कंसंट्रेटेड फायर हम तब करते हैं जब हमारे पास जो लक्ष्य है हमें सिर्फ उस पर निशाना साधना हो, ठीक है, तो तब हम करते हैं कंसंट्रेटेड फायर। नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड फायर में सपोज एक एग्जांपल लीजिए कि कोई दुश्मन है वो झाड़ी के पीछे छुपा है। नाउ हमें उस दुश्मन की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, हमें पता है कि वो झाड़ी के पीछे है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम एक डिस्ट्रीब्यूटेड फायर करेंगे यानी फैला हुआ फायर, ठीक है, तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि कोई भी एक गोली किस्मत से उस दुश्मन को लग जाए, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फायर। नाउ एरिया ऑफ फायर क्या होता है, तो देखिए अगर कोई एक यूनिट है हमारे पास आर्मी की, ठीक है, पर्टिकुलर यूनिट, और उनको दे दिया गया है कि आपको सिर्फ इतने पर्टिकुलर एरिया में फायर करना है, तो जिस एरिया में उस यूनिट को फायर करना है उसको हम कहते हैं एरिया ऑफ फायर। अब बात आती है प्रिंसिपल ऑफ फायर, यानी फायर के सिद्धांत क्या क्या होते हैं। तो देखिए जो पहली चीज है वो है वन बुलेट वन एनिमी, यानी कि एक दुश्मन एक गोली। सिंपल सी बात है, हमें गोलियां बर्बाद नहीं करनी है तो सिर्फ एक दुश्मन पर एक ही गोली बर्बाद करें। फिर दूसरी चीज आती है कि दुश्मन का सिर कवरिंग फायर में दबा कर रखो। कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने किसी साथी को कवर फायर दे रहे हैं तो उस केस में आपको कोशिश करनी है कि जो दुश्मन का सर है वो ऊपर ना आए, क्योंकि अगर दुश्मन का सर ऊपर आएगा तो पहली चीज दुश्मन को पता चल जाएगा कि आप उसकी तरफ आ रहे हैं और दूसरी चीज ये हो जाएगी कि उसे आपकी लोकेशन पता चल जाएगी कि आप कहां पर हैं, तो इस केस में वो उल्टा फायर देगा, तो इसीलिए आपको जितना हो सके दुश्मन का सर कवर फायर में नीचे दबा के रखना है। अब तीसरी चीज़ ये है कि जैसी कवर फायर बंद होती है वैसी जो आपका साथी है वो सीधा हमला कर दे, अगर वो हमला नहीं करेगा तो जो दुश्मन है वो हमला कर देगा, तो इसमें नुकसान हमें होगा, सिंपल सी बात है। तो ये थे तीन प्रिंसिपल ऑफ फायर। अब बात आती है पेट्रोल्स की या पेट्रोलिंग पार्टीज की, ये होती क्या है। देखिए अगर आप कोई लड़ाई लड़ रहे हैं या कोई बैटल में है तो क्या है कि वहाँ पे अगर आपको उस बैटल को जीतना है तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है वो है कि आपके पास दुश्मन की कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। दुश्मन की इन्फॉर्मेशन होने का मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि दुश्मन किस तरह के हथियार यूज़ कर रहा है, उसके पास एम्यूनिशन कितना है,
उसके पास जो लॉजिस्टिक का सप्लाई है वो कैसा है, ठीक है। तो अगर आपके पास इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी है तो आप उस वॉर को जीत सकते हैं आसानी से। नाउ ये इन्फॉर्मेशंस आपको कैसे मिलेंगी? ये इन्फॉर्मेशंस आपको तब मिलेंगी जब आप अपनी एक सेना की टुकड़ी को ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भेजोगे। सो इसी टुकड़ी को हम कहते हैं पेट्रोलिंग पार्टीज या पेट्रोल्स, ठीक है। तो ये पेट्रोलिंग पार्टीज हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक है रेकी पेट्रोल और एक होती है प्रोटेक्टिव पेट्रोल। ये क्या होती हैं, आइए देखते हैं। सो रेकी पेट्रोल के टास्क के बारे में बात करें, यानी इनके कार्य क्या होते हैं, तो देखिए इनका जो पहला काम है वो है कि एनिमी की पोजीशन को प्राप्त करें, ठीक है, कि एनिमी कहाँ कहाँ पर है। दूसरी चीज कि जो एनिमी है उसने कौन कौन से ऑब्स्टेकल यानी रुकावटें लगा रखी हैं, कौन कौन से ट्रैप माइंस बिछा रखे हैं, उनका पता लगाना। तीसरा है कि जो एनिमी है उसकी हैबिट्स यानी उसकी आदतें क्या हैं, उनकी आदतें क्या हैं, इनके बारे में पता लगाना। और साथ ही साथ अगर कोई और इन्फॉर्मेशन भी है तो उसको पता लगाना। तो कुल मिला के जो रेकी पेट्रोल है इसका काम है दुश्मन के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करना। अब प्रोटेक्टिव पेट्रोल्स के कार्य के बारे में बात करें, यानी इनके टास्क क्या होते हैं, तो देखिए इनका जो पहला टास्क है वो ये है कि जो दुश्मन की पेट्रोल है उसको अपनी खबर प्राप्त नहीं होने देना। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि अगर दुश्मन कोई भी मूवमेंट करता है तो उसके बारे में सबसे पहले अपने कमांडिंग ऑफिसर को बताना, और साथ ही साथ कभी कभार जो दुश्मन है उसको लड़ाई लड़के उलझाए रखना। और जो तीसरी चीज़ है वो है नो मैंस लैंड पर कब्जा रखना। नो मैंस लैंड आप जानते हैं, देखिए नो मैंस लैंड क्या होता है, सपोज ये है इंडिया की बॉर्डर और ये है पाकिस्तान की बॉर्डर, यहाँ पे पिलर लगे रहते हैं, ठीक है। तो बीच में ये धरती का जो ये टुकड़ा है, ठीक है, इसमें ना पाकिस्तान का कब्जा है ना इंडिया का कब्जा है, तो इसको हम कहते हैं क्या, नो मैंस लैंड, यानी यहाँ पे किसी भी देश की जमीन नहीं है, इसको हम कहते हैं नो मैंस लैंड। तो इस पर कब्जा बनाए रखना, कब्जा बनाए रखने का मतलब यह है कि दुश्मन से बचाए रखना। नाउ एनसीसी एग्जामिनेशन में आपसे कभी कभार पूछ लिया जाता है कि जो पेट्रोलिंग है इससे कौन कौन से क्वालिटीज डेवलप होती हैं, तो इससे कौन कौन सी क्वालिटीज डेवलप होती हैं, ये हैं डिसिप्लिन, कॉमरेडशिप यानी भाईबंदी, एग्रेसिवनेस एंड अलर्टनेस। सो ये आपको याद रहना चाहिए कि पेट्रोलिंग से कौन कौन से क्वालिटीज डेवलप होती हैं। इसके अलावा कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है कि पेट्रोलिंग के मुख्य चरण क्या क्या होते हैं, यानी इसके स्टेजेस क्या होते हैं। तो देखिए पेट्रोलिंग के तीन स्टेजेस होते हैं। पहला है प्रिपरेशन, प्रिपरेशन में आप तैयारी करते हैं यानी आप एक प्रॉपर प्लानिंग बनाते हैं कि आप पेट्रोलिंग कैसे करेंगे। सेकेंड थिंग है कंडक्ट यानी संचालन, आप उसका संचालन कैसे करेंगे, वो संचालन बेस्ड होगा आपके प्लानिंग पर। और तीसरी चीज़ है डीब्रीफिंग, यानी कि जब आप अपनी पेट्रोलिंग करके आ जाएंगे तब आप देखेंगे कि जो आपने प्रिपरेशन की और जो आपने उसका संचालन किया क्या वो सेम थे या नहीं था। सेम थे होने का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू प्लान, क्या वो अकॉर्डिंग टू प्लान था या नहीं था। अगर नहीं था तो आप उसमें सुधार करेंगे, और इसी चीज़ को हम कहते हैं डीब्रीफिंग या समीक्षा। अब बात आती है कि घात या एम्बुश होता क्या है। तो देखिए अगर आप किसी पर छुपकर और अचानक हमला करते हैं तो उस चीज़ को हम कहते हैं एम्बुश, और इसकी जो डेफिनेशन है ये आपके सामने लिखी है, यही एग्जामिनेशन में आपको लिखनी है, आप इसे पढ़ लीजिए। नाउ हमारे जो इम्पोर्टेंट है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्बुश, यानी एम्बुश के उद्देश्य क्या होते हैं। तो जो इसके उद्देश्य हैं, पहला उद्देश्य है कि जो दुश्मन है उसको अधिक से अधिक बर्बाद करो। दूसरी चीज़ है कि जो दुश्मन है उसे सूचनाएं प्राप्त करो। और तीसरी चीज़ क्या है कि दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा तंग करो। तंग करने से क्या होगा कि दुश्मन अपने ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक लगाएगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक लगाएगा तो उन सैनिकों को लगाने में उसका खर्चा बढ़ेगा, और खर्चा बढ़ेगा यानी दुश्मन का नुकसान हो रहा है। तो ये होते हैं मुख्य उद्देश्य एम्बुश के। अब हम फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट को एनसीसी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा कवर कर चुके हैं, और अगर आपको एनसीसी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका जवाब दूँ। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।